और एक शॉट कनेक्ट अगर कर लें रॉ अब्दुल, बहुत लो फ्लैश ग्रेनेड यहाँ पे अलजोबिन के ऊपर, एंड बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रॉ अब्दुल ने नॉक किया, फिनिश करेंगे, बदला ज़रूर लिखा जाएगा। एंड वहीं पे ओशन, वहीं पे शाकिर की बात करें, फिलहाल M4 देखता हूँ, उसके साथ उजी एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो मैं बोलूँगा। ZX पेन भी यहीं पे बैठे हुए हैं, ये बॉट यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिलहाल वो देखने की बात है, कैम तो करेंगे ही यहाँ पे। एक नॉक निकालते हुए राइट ससुर का है ना, राइट ससुर उस तरफ एक नॉक निकालते हुए जो तो टीम रॉ वर्सेस टीम राइट वर्सेस काचू की फ्राग यहाँ पे टीडी या शको पिस्टल के साथ नॉक करेंगे। राइट्स की टीम ने यहाँ पे क्लियर किया। वहीं पर बात करें रॉ अब्दुल, सामने फाइट चल रहा है ये बात ज़रूर पता है। वहीं पे अकात्सुकी की फ्राग ने नॉक निकाला पिस्टल के साथ, दो नॉक दिख रहे हैं मुझे अकात्सुकी की फ्राग यहाँ पे खुद नॉक होते हुए। टीम रॉ वर्सेज टीम राइट्स 4v3 है सिचुएशन यहाँ पे। राइट्स असुर जो है वो नॉक किए गए हैं, यहाँ पे रॉ अब्दुल को राइट जोकर ने, एंड यहाँ पे रॉ शाकिर कोशिश जरूर कर रहे हैं। बबलू यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। रायट्स ऋतिक कुछ बहुत ही बेहतरीन M16 मॉन्टाज, सॉरी राइट जोकर जो M16 मॉन्टाज दिखाते हुए ऋतिक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। पीला यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फिलहाल आई थिंक ऋतिक को रफ दिया जाएगा, आई थिंक नीड या मॉली कुछ फेंका जा सकता है। डार्कनेस हिट के यहाँ पे नॉक रोग हंटर को, एंड यहाँ पे टीम रॉक को फिनिश किया जाएगा। टीम रायट्स फिनिश करेंगे ये सिचुएशन को। M16 यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाते हुए अच्छा पेटमोस का नॉक केफर स्टॉफ। वहीं पे बात करें और एक फाइट शुरू हो चुकी है, यहाँ पे टीम रायट सीधे स्कूल की तरफ यहाँ पे एक स्लैमिंग दे चुके हैं, एंड स्कूल में बैठी हुई टीम हेज एक बंदा यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया है, एंड ही इज जैगवार वो बंदे थे, एंड यहाँ पे हेज एटम्स जो है वो बाहर की तरफ से जाते हुए टीम रायट जो वो गैदर है, एंड यहाँ पे हेज एटम्स का भी यहाँ पे नॉक निकालेंगे, फिनिश किया गया उनको। एंड हीज एंड्रियास फिलहाल कोशिश ज़रूर करेंगे, जोकर का यहाँ पे नॉक निकाला हेड कनेक्ट होते हुए। वहीं पे पीला जो है वो फिलहाल रेफ जरूर दे देंगे, यहाँ पे नेट पिन किया गया है, लेट्स सी ये नेट कितना काम आता है। ये नेट एक जम खाएगा टीडी विजय यहाँ पे ना, टीडी रोहित को, एंड यहीं पे हेज एंड्रियास के ऊपर स्कूल की तरफ से भी सॉरी अपार्ट्स की तरफ से भी शॉट आता हुआ। नो लक मैन यहाँ पे फिलहाल बहुत देर से टीपी पी लिए हुए बैठे थे। स्प्रिंग सोप यहाँ पे गिर के नॉक होते हुए हेज एंड्रियास यहाँ पे बहुत लो अपार्ट्स की तरफ से जो शॉट आ रहा है वो दिक्कत देता है। स्प्रिंग सोपी यहाँ पे फिनिश किया गया। राइट ऋतिक एक तरफ से राइट ऋतिक यहाँ पे नॉक निकाला, राइट ससुर उनका नॉक निकालेंगे, एंड वहीं पे पीला फिलहाल ऊपर की तरफ आना चाहेंगे जल्दी से जल्दी अपनी टीममेट के पास। राइट जोकर जो है वो फिलहाल आ चुके हैं, हेजेंडर्स को फिनिश किया गया। राइट्स की टीम जो ही एक साथ खेल रही है यहाँ पे बेहतरीन, यहाँ पे टीम वर्क दिखता हुआ टीम राइट से। जोन जो है वो क्लोज इन होता है, 15 टीमें बाकी है, दूसरा ये जोन बनने वाला है, एंड K4S की टीम जो है वो पोलियाना से फिलहाल अब तक मूव नहीं करी है। राइट्स वर्सेस टीम बिग, टीम 2 वर्सेस टीम 4 फिलहाल यहाँ पे देखने को सकते हैं। यहाँ पे नीड फटा गया, फटा ज़रूर है बट कोई फ़ायदा नहीं। राइट्स असुर की बात करें वो सामने की तरफ यहाँ पे एक TPP लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे बिकिंग लो ज़रूर है बट वहाँ पे राइट ससुर भी नॉक किए गए हैं। राइट ऋतिक कुछ कमाल दिखाते हुए, राइट जोकर यहाँ पे नॉक होंगे, राइट ऋतिक आ चुके बिग सीजे 7 यहाँ पे नॉक, ठाकुर साहब को यहाँ पे फिनिश किया। राइट ऋतिक यहाँ पे कुछ कमाल दिखाते हुए, असुर को यहाँ पे रेव मिल जाएगा, जोकर फिनिश होते हुए राइट ऋतिक खाली यहाँ पे फिलहाल चमक रहे हैं। ऋतिक के ऊपर आई थिंक 1v3 क्या यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खेलते हुए
14 फिनिशेस इस टीम के पास एंड कुछ कमाल का परफॉर्मेंस। विकेंडी में ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाता बट यहाँ पे आई थिंक रैंगल को अपना घर मानेंगी एंड वैसे ही परफॉर्मेंस देते हुए। होम स्टेडियम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ऐसे क्रिकेट में। वैसे ही एक स्क्वाड का पसंदीदा जो मैप होता है वो बहुत मायने रखता है। सो यहाँ पे वो पसंदीदा मैप फ़िलहाल आई थिंक टीम रायट्स के इस लाइनअप के लिए रैंगल है। सो वहीं पे बात करें आई थिंक यहाँ पे टीम M4 जो है वो